बहन जी, हमें जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा या फिर घर में उपचार करना होगा। इनके फेफड़ों में पानी भर गया है। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। देविका, देविका, प्लीज देविका, एक बार आवाज दे दो, एक बार आवाज दे दो, प्लीज प्लीज एक बार आवाज दे दो देविका, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या हो गया माता रानी? हम तो यहाँ पर आपका आशीर्वाद लेने आए थे ना, आपके सामने हाथ छोड़कर आशीर्वाद लेने आए थे। मैंने और देविका ने हाथ छोड़कर आपके सामने आशीर्वाद लिया भी था। मुझे पता नहीं था कि आपने आशीर्वाद के बदले मेरी देविका मुझसे छीन ली। क्यों मेरी देविका आपने मुझसे छीन ली? अब मैं कैसे रहूंगा माता रानी उसके बिना? कैसे जीऊंगा? अगर मेरी देविका को कुछ हुआ ना माता रानी, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं भी अपनी जान दे दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज मेरी देविका को वापस कर दो, प्लीज माता रानी, प्लीज प्लीज मेरी देविका को वापस कर दो। क्या बात है, कौन हो तुम और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा एक्चुअली मेरी बीवी मेरी देविका उस पहाड़ी से नीचे गिर गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मुझे मिल नहीं रही, मैं बहुत परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं उसे। बाबा बेटा हिम्मत से काम लो, उतनी ऊंचाई से गिरकर कोई बच नहीं सकता और इस पहाड़ की चट्टाने इतनी नुकीली है कि कोई एक बार टकरा जाए तो बच नहीं पाएगा। नहीं बाबा नहीं, मेरी देविका जिंदा है, मुझे पता है मेरी देविका जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता, वो मेरे लिए जिंदा है, मुझे मालूम है। आपको पता है मेरी देविका माता रानी पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, और उसकी चाची ने मुझे बताया कि बचपन से लेके आज तक देविका को हर संकट से माता रानी ने बचाया है। हम तो माता रानी के दरबार में है तो मेरी देविका को कैसे कुछ हो सकता है? मुझे पूरा विश्वास है मेरी देविका को कुछ नहीं होगा बाबा। बेटा अगर तुम्हें माता रानी पर इतना विश्वास है तो उसके बचने की एक ही उम्मीद है, अगर वो उतनी ऊंचाई से सीधा पानी में गिरे, और सुनो इस नदी का बहाव उस तरफ जाता है तो तुम उस तरफ जाकर ढूंढो, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाए जिंदा या जिंदा ही है वो, मुझे मालूम है मेरी देविका जिंदा, उसे कुछ भी नहीं होगा, संभाल नहीं होगा। भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले और तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाए। देवी ईश्वर करे इसकी बहुत लंबी उम्र हो, अब इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी, देवी माँ ने इसे आपको सौंप दिया है, अब इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। हाँ पंडित जी, ये बच्ची देवी का वरदान बनकर आई है मेरे लिए, माता रानी ने मेरे एक अंश लिया तो एक लौटा दिया, अब ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ, जब तक इसे होश नहीं आता मुझे चैन नहीं आएगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि मेरी ममता का सवाल भी है, आप चिंता मत कीजिए। आप दोनों माँ बेटी पर देवी माँ की कृपा सदा बनी रहे। ड्राइवर चलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। देविका, इसका नाम देविका है, देविका का मतलब देवी का अंश, सही लिखा है, ये सच में मेरे लिए देवी का अंश बनकर आई है, ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, माता रानी ने इसे मेरी बेटी के रूप में भेजा है, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। ड्राइवर गाड़ी थोड़ा तेज लीजिए। जी मैडम जी, अभी
क्या हुआ? मैडम आगे रास्ता खराब है। रास्ता बंद है? अरे तो फिर आप इस रास्ते से आए क्यों जब ये रास्ता बंद है? आपको पता है ना कि हमें हॉस्पिटल जाना है जल्द से जल्द। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ मैडम, मुझे यहाँ का रास्ता नहीं मालूम था। मैंने सोचा कि गाड़ी इस सड़क से ले लूँ, कोई ना कोई हॉस्पिटल मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी गलत दिशा में आ गई है। अरे आपको पता है एक एक पल मेरे लिए कितना कीमती है? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलिए। चलिए जल्दी। आपने जी किसी लड़के को देखा है यहाँ पे? जी दाढ़ी है, उसके लंबे से बाल है, सुंदर सा है जी दिखने में। आप कहीं उस लड़के की बात तो नहीं कर रहे जिसकी पत्नी पहाड़ से गिरी है? हाँ जी हाँ जी, वही वही, आपने देखा है जी उसको? वो नदी के बहाव की तरफ गया है, मैंने ही उसे वहाँ जाने के लिए बोला था। अगर लड़की की लाश यहाँ नहीं मिल रही तो हो सकता है कि लड़की सीधी पानी में गिरी हो। ओ आ जाओ जी आ जाओ, चलो देखते हैं। ओ जी हाँ जी। हाँ क्या हो गया आप बोले? सुन मेरा दिल बहुत डर रहा है, बार बार ऐसे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला। तू जरा एक बार लाडो को फिर से फोन कर। माँ प्लीज, मैं कह रही हूँ ना आपसे कि नेटवर्क खराब होगा, इसलिए तो इतनी बार फोन किया लेकिन फोन नहीं लग रहा। पल्लवी तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा ना मेरी बात करा दी उससे, जब तक उनमें से किसी से भी बात नहीं हो पाएगी ना मर जाऊंगी मैं। मुझे डर लग रहा है, मिला देना फोन किसी को तो मिला दे। मैं अभी लगा दूं। साक्षी अपने आप को संभालो। साक्षी देखो अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि देविका भाभी की मौत हो गई है। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जिंदा भाइयों ने ढूंढने के लिए गए हैं ना। साक्षी साक्षी प्लीज अपने आप को संभालो। साक्षी हम लोगों के साथ इतना बुरा नहीं हो सकता है। साक्षी पल्लवी का बार बार फोन आ रहा है। साक्षी मैं उसको क्या बताऊं? और उसके पास तो रेखा आंटी जी भी होगी। सुनो साक्षी अभी हम लोग देविका भाभी के बारे में कुछ नहीं बताते, ठीक है? हाँ क्योंकि भाई का विश्वास सही हो सकता है साक्षी, और हो सकता है कि देविका भाभी जिंदा हो, भाई उन्हें ढूंढने के लिए गए हैं ना। हाँ तो शायद देविका भाभी उन्हें मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। तो तुम फोन पकड़ो और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ मत बताना। हाँ बता देना कि देविका भाभी यहाँ पर नहीं है, और उन्हें बता देना कि सब कुछ ठीक ठाक है। साक्षी हेलो। हेलो साक्षी, अरे कहाँ हो तुम लोग? हेलो साक्षी, माँ साक्षी तुम सब लोग ठीक हो कि नहीं? वहाँ सब ठीक है ना? और लाडू कहाँ है? हाँ माँ सब ठीक है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, इसीलिए फोन नहीं लग रहा होगा। अब टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देख साक्षी तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? झूठ तो नहीं बोल रही है ना? जो भी कुछ हो रहा है मुझे बता, क्योंकि यहाँ माता रानी मुझे बार बार संकेत दे रही, वो दिया बार बार बुझ जाता है। बता मुझे कहाँ हो तुम लोग? मेरी लाडू कहाँ है? तुम दोनों इकट्ठे गए हो ना? हेलो आंटी जी। मोंटी साक्षी अचानक कहाँ चली गई? लाडू को बुलाने गई है क्या? एक्चुअली देविका भाभी आसपास नहीं दिख रही है ना, तो साक्षी उन्हीं के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी से बात कर रही है। मैं जितनी जल्दी हो सके आपसे देविका भाभी की बात करवा देता हूँ, ठीक है? आप प्लीज चिंता मत कीजिए, पर सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। हाँ माँ क्या काम मोंटी जीजू ने? समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं, रास्ता मिलेगा या नहीं? कितनी देर लगा रहे हैं आप रास्ता ढूंढने में? देखिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, जल्दी कीजिए। कोई बात नहीं रवि, तुमने जानबूझ के थोड़ी ना किया, वो तो भूल से तुम्हारा पैर स्लिप हो गया ना। नहीं देविका आई एम रियली सॉरी, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है शायद कुछ कुछ गलत होने वाला है। ऐसे कोई बात नहीं है, हम भी माँ जानती हैं कि हम दोनों को उनमें कितना विश्वास है, वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगी।
देविका आई एम रियली सॉरी, सच्ची बोल रहा हूँ, जानबूझ के मैंने नहीं कराई वो अचानक से। रवि सच बताओ, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी तबीयत में मुझे इतना दूर नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है कि तुम नहीं तुम्हारा प्यार बोल रहा है, लेकिन मुझे यकीन करो रवि, मैं सच में जाना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि हम दोनों वहाँ जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, मेरी तबीयत, हमारे हालात, प्लीज। और वैसे भी रवि, जब तक तुम मेरे साथ हो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, मुझे तो पूरा यकीन है। तुम्हें नहीं है क्या? देख लेना, जब हम वहां से वापस आएंगे ना तो सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करेंगे। सीधा सीधा कहो ना कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। भूल गए? पूरे 7 वचन दिए तुमने मुझे और 7 जन्मों का साथ है हमारा। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, समझे? हेलो, भूला मैं नहीं, भूली तुम हो। 7 जन्म, 14 जन्म, भूल गई ना? 2 बार शादी हुई हमारी, 14 फेरे लिए हैं। और वैसे भी तुमने 14 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना फिर देवी माँ से? हाँ रवि, और उन्हीं 14 फेरों की कसम खाकर कहती हूँ कि अपनी मर्जी से कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और अगर कभी कहीं गुम हो भी गई ना तो छुप छुप कर तुम पर नजर रखूंगी। तुमने कहा था कि अगर तुम कहीं खो भी गए तो भी तुम मुझे छुप कर देखोगी। प्लीज देविका, ये लुका छुपिया खेल बंद करो, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, ये माता रानी रक्षा करने है। अरे आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ऐसे तो हम सुबह तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे। मैडम सामने से कोई आ रहा है, मैं उससे पूछता हूँ। हाँ हाँ पूछिए, जल्दी कीजिए। तो भाई रुक जाओ भाई, मैं तो थक गई हूँ, मुझे थोड़ा बैठने दो, आराम करने दो भाई मुझे। कब से रवि का फोन ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा वो। ऐसा तो नहीं रवि को देविका की डेड बॉडी मिल गई हो? अगर ऐसा है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। कब तक रोता रहेगा वो? एक दिन उसके आंसू रुक जाएंगे, समझ जाएगा वो, समझ जाएगा कि देविका अब मर चुकी है। अब उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। अभी मैं हूं ना, मैं उसे संभालूंगी। मैं उसे कहूंगी रवि, जो हकीकत है हम उसे बदल नहीं सकते, और वो मेरी बात जरूर मानेगा। और अगर उल्टा हो गया तो? रवि को देविका मिल गई और इस वक्त वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा होगा तो? मुझे तुम लोग चुप कर जाओ भाई, तुम लोगों की बातें सुनकर ना मेरा दिल और घबरा रहा है, लगता है कुछ बुरा ही होने वाला है। फिर शुरू हो गया आप दोनों, समझ में नहीं आता आप लोगों को कितनी ऊंचाई से गिरी थी वो, कोई बच सकता है क्या? और मान लेते इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो बच गई, लेकिन पानी में गिरी थी ना, डूब कर तो मर गई होगी कि नहीं? मर चुकी है वो, तो मेरे लिए वो 100% मर चुकी है, एंड दैट्स फाइनल। क्या हो सकता है भाई साहब? भाई साहब शहर का रास्ता बता सकते हैं? हमने बहुत कोशिश की पर हमें नहीं मिल रहा है। गाड़ी में कोई बीमार है, उसे हमें हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज भाई साहब बता दीजिए। भाई साहब प्लीज बताइए। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधा जाइए और वहाँ से जाकर राइट लीजिए, शायद शायद कोई जगह आपको मिल जाए वहाँ जाए। भाई साहब आपको पक्का पता है ना, हमने बहुत कोशिश की पर हमें नहीं मिल रहा है। अरे ड्राइवर आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर इन्हें रास्ता नहीं पता तो किसी और से पूछ लेते, आप चलिए प्लीज। जी मैडम। आप ही, मुझे भी किसी को ढूंढना है। रवि
ये दुपट्टा किसका अटका हुआ गाड़ी के दरवाजे में? लगता है ये लोग बहुत जल्दी में हैं। भगवान करे जो भी बीमार है वो जल्दी से ठीक हो जाए। जल्दी तो मुझे भी करनी चाहिए, और कितना इंतजार करवाऊंगा मैं देविका से। मुझे देविका बुला रही है, वो मेरा इंतजार कर रही। मैं आ रहा हूँ देविका, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। रवि पुत्र, रवि पुत्र, रवि। ओह माय गॉड, थैंक गॉड रवि तुम मिल गए। तुम ठीक तो हो ना? कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। देविका मिली तुम्हें? नहीं, लेकिन मैं बहुत वेट नहीं कर सकता। मैं पुलिस वालों को इन्फॉर्म करूंगा, वो मालूम करेंगे कि देविका कहां पर है। मुझे लगता है कि देविका इस नदी के भाव से कहीं और चलेगी। मुझे पूरा भरोसा है देविका मरी नहीं, वो जिंदा। अब पुलिस ही आएगी। ऐसा क्या हुआ होगा इस लड़की के साथ? इतनी चोटें आई हैं इसे, क्या किसी ने इसे जानबूझ के चोटें पहुंचाई हैं? अगर हाँ तो किसने? ये मासूम सी लड़की अपने आप पानी में गिरी थी या फिर किसी ने इसे धक्का दिया था? कुछ तो गलत हुआ होगा इसके साथ। और जब ये माता रानी का आशीर्वाद बनकर ये लड़की मेरे पास आई है तो मुझे इसकी पूरी कहानी जाननी होगी कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, ऐसे कैसे ये पानी में गिरकर बहती हुई ये आ गई, किसी ने इसे बचाया क्यों नहीं, या फिर कोई बचाना नहीं चाहता था। जो भी हो, मैं सच जानकर रहूंगी ताकि मैं इसकी रक्षा कर सकूं। बस एक बार ये होश में आ जाए, एक बार ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। भरोसा रखो रानी, मिल जाएगी। मालूम चला, मेरा मतलब है कि आपके वो सारे लोग वहां पर खड़े, आप उनके बोलते क्यों नहीं कि प्लीज चेक करने के लिए कुछ तो कहो उन्हें। देखिए, आप इन्हें संभालिए और इन्हें एक जगह बैठाइए। आप बैठ जाइए प्लीज। लेकिन आप प्लीज समझिए बात को, आप बोलते क्यों नहीं अपने वो सब लोग यहीं पर घूम रहे, कोई चेक नहीं कर रहा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं, सो प्लीज आप एक तरफ बैठ जाइए, अपने आप को संभालिए। रवि, तू चिंता मत कर, हिम्मत नहीं आ रही, चल आजा, आजा आजा भाई। देविका कहीं नहीं, कहीं मिल जाएगी देविका। अगर लाश मिल गई तो फिर? लाश मिली तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी जान बची होगी ना तो ये लोग सीधे हॉस्पिटल ले जाएंगे। एम्बुलेंस भी यही है, 3 बेड हमारे लिए बुक करना पड़ेगा। सर, कुछ मालूम चला? नहीं, सब जगह ढूंढा सर, लाश नहीं मिली। लाश, लाश किसे किसे बोल रहे हैं आप? लाश वाश नहीं है, उसका नाम है। और आपने लाश बोल कैसे दिया? देखिए प्लीज, लाश मत बोलिए। देविका, देविका सब लोग कहते हैं उसे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सिंध है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, देविका सिंध है। मैं आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सब लोग कोशिश कीजिए ना, वो अंदर है, मुझे मालूम है। भैया इनको बोलो ना प्लीज, आप प्लीज समझिए। देविका वहाँ पानी में है, उसे बुखार चढ़ जाएगा। साक्षी तुझे मालूम है ना, उसे पानी से डरती है, मुझे मालूम है ना। वो लास्ट टाइम पानी में उसे कुछ हो गया, आप प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। ये कुछ नहीं करेंगे, मैं करूंगा। देखिए, आपने कहा था वहाँ ढूंढने के लिए, हमने ढूंढा लेकिन नहीं मिला। हमें तो पहले से ही पता था कि कुछ मिलने वाला नहीं है। इन पहाड़ों से गिरकर आज तक कोई नहीं बचा है, और वैसे भी अब तो लाश का भी। हम बात कर रहे हैं ना भाई, देविका मिल जाएगी। रवि, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, लेकिन नहीं मिली तो क्या करेंगे लोग भी? इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो आप देख रहे ना कि किस दर्द से गुजर रहा है वो। देखिए, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, आप इनका ध्यान रखिए।
हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया अपने पुत्र के साथ।